पूर्व एनएसी कमांडो सुरेंद्र सिंह दिल्लीकैंट से आपकी टिकट पर विधायक चुने गए हैं। सुरेंद्र ने बीजेपी के करण सिंह तंवर को मात दी है। कमांडो सुरेंद्र मुंबई के हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। आइए आपको दिखाते हैं सेना से राजनीति के गलियारे तक पहुंचने का उनका ये सफर। जो भी लोगों की भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा हूं। दिल्ली कैंट से आपके विधायक बने सुरेंद्र का ये फौलादी इरादा मुंबई पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के दौरान भी दिखा। वो धमाके और गोलीबारी के बीच भी डटे रहे, लेकिन हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए एनएसजी कमांडो सुरेंद्र की सुनने की ताकत खत्म हो गई। वो सेना से रिटायर हो गए। सेना से मिले जुझारू जज्बे ने ही उन्हें लोकपाल के आंदोलन से जोड़ दिया। बाद में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली कैंट से उन्हें उम्मीदवार बना दिया। सबके जहन में यही सवाल था कि क्या वो बीजेपी के तेज तर्रार नेता करण सिंह तंवर को हरा देंगे। जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कड़े मुकाबले में करण सिंह तंवर को पटकनी दे दी और एक कमांडो से बन गए विधायक। अब मैं यहाँ दिल्ली विधानसभा के अंदर, अपने इलाके के अंदर, और जो भी लोगों की भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा हूँ। सुरेंद्र सिंह दिल्ली कैंट के ईस्ट मेहराव नगर में एक कमरे के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। सुरेंद्र की जीत के बाद घर में लगातार लोगों का आना जाना बना हुआ है। घर में काफी चहलकदमी है। समर्थकों के साथ ही पड़ोसी भी अब हर लम्हे को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। सुरेंद्र सिंह अपनी जीत का श्रेय दिल्ली की जनता को देते हैं। इतना भारी बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया है कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक साल की पार्टी और दो बड़ी बड़ी पार्टियां पैसा बल, भाव बल उसको टक्कर देते हुए और आज विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सुरेंद्र अरविंद केजरीवाल की तरह ही हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते हैं। विरोधी पति के हमले करते हैं और वो दोबारा चुनाव के लिए भी तैयार दिखते हैं। दिल्ली की जनता या देश की जनता दोबारा चुनाव से नहीं डरती है। जनता डरती है 2G घोटाला, कोमलवैत घोटाला, कोयला घोटाला और घोटालों पे घोटाले से। चुनाव होने से एक आदमी के ऊपर 5 रुपए खर्च आता है, कोई बड़ा खर्च नहीं है। जहां जनता घोटालों की मारी हुई 100 रुपए केजी प्याज खरीद रही थी, वो इससे निपटने के लिए देश की जनता, दिल्ली की जनता तैयार है। देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले सुरेंद्र सिंह राजनीति में भी उसी तेवर से आगे बढ़ना चाहते हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। किसी भी कीमत पर उसे हराना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।